नमस्कार दोस्तों। देखिए दोस्तों, इस वीडियो से पहले मैं आपके सामने आधुनिक भारतीय इतिहास से संबंधित कुछ प्रश्न लेके आया था। तो अगर आपने मेरे वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो आप अपनी स्क्रीन के राइट साइड के टॉप कॉर्नर पर छोटा सा जो आइकन निशान है वहाँ पे क्लिक करके मेरी पिछली सभी वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए, आज की वीडियो में हम देखने जा रहे हैं विश्व इतिहास के बारे में, जिसमें हम चर्चा करेंगे पुनर्जागरण काल, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम और फ्रांस की क्रांति के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं हूं परवीन और आप देख रहे हैं हमारा चैनल YouTube हिंदी। तो सबसे पहले दोस्तों, आप हमारे चैनल को यहाँ सब्सक्राइब पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके बाद बेल आइकॉन पर जरूर क्लिक कीजिए ताकि आप आने वाली सभी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले प्राप्त कर सके। तो चलिए दोस्तों, पहले हम देख लेते हैं पुनर्जागरण काल के बारे में। तो यहाँ पर जो पुनर्जागरण का अग्रदूत था वो माना जाता है इटली के महान कवि दांते को, ठीक है। और दांते का जो जन्म हुआ था वो इटली के फ्लोरेंस नगर में हुआ था। और दांते ने एक काव्य की रचना की थी जिसका नाम था डिवाइडेन कॉमेडी। तो इसके बारे में काफ़ी बार पेपरों में पूछा जाता है, तो इसका ध्यान रखिए। दांते ने जो प्रसिद्ध पुस्तक लिखी थी वो थी डिवाइडेन कॉमेडी। इसके बाद देखिए, पुनर्जागरण का जो प्रारंभ है ये इटली के फ्लोरेंस नगर से हुआ था जहाँ पर दांते का जन्म हुआ था, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। इसके अलावा दांते के बाद जो पुनर्जागरण का अग्रदूत है वो किसे माना जाता है, वो भी मैं बता दूं कि दांते के बाद पुनर्जागरण का अग्रदूत माना जाता है पेट्रोक को, ठीक है। और पेट्रोक एक मानवतावाद का संस्थापक था और पेट्रोक भी इटली का ही निवासी था। इसके अलावा आधुनिक राजनीति का दर्शन का जो जनक है वो माना जाता है मैकियावेली को, और मैकियावेली ने एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी थी द प्रिंस, जिसके बारे में काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो इसका ध्यान रखिए। मैकियावेली ने पुस्तक लिखी थी द प्रिंस, ठीक है। तो चलिए, इसके बाद हम देख लेते हैं लियोनार्डो दा विंची के बारे में। तो लियोनार्डो दा विंची एक बहुमुखी प्रतिभा संपन्न व्यक्ति था। यह एक इंजीनियर भी था, यह एक वैज्ञानिक भी था, यह एक दार्शनिक भी था, यह एक कवि भी था, यह एक गायक भी था, यह एक मूर्तिकार भी था और यह एक चित्रकार भी था। तो सबसे ज़्यादा लियोनार्डो दा विंची की जो चित्रकारी फेमस हैं वो दो चित्रकारी हैं, एक मोनालिसा और एक द लास्ट सफ़र। तो देखिए, मोनालिसा की ये फोटो आप देख सकते हैं और द लास्ट सफ़र है, ये इसकी चित्रकारी हैं दोनों। यहाँ पर ये इसकी काफ़ी फेमस चित्रकारी हैं, तो इनके बारे में काफ़ी बार पेपरों में पूछा जाता है, तो इनका ध्यान रखिए। तो चलिए, इसके बाद हम रोफेल के बारे में देख लेते हैं। रोफेल इटली का ही एक प्रसिद्ध चित्रकार था। इसकी सर्वश्रेष्ठ कृति जीसस क्राइटस की माता मैडोना का चित्र है जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसको मैं आपको बड़ा करके दिखा देता हूँ, ये देखिए, ये फोटो है जीसस क्राइटस की माता मैडोना की। तो इसी के कारण यह रोफेल फेमस था, तो इसका भी ध्यान रखिए। इसके बाद माइकल एंजेलो थे एक, तो ये भी एक प्रसिद्ध चित्रकार भी थे और एक मूर्तिकार भी थे। इन्होंने दो पुस्तकें लिखी थी, एक थी द लास्ट जजमेंट और दूसरी थी द फॉल ऑफ मैन, ठीक है। और सिस्तान के गिरजाघर की छत में माइकल एंजेलो के द्वारा ही चित्र बनाए गए थे, तो इसका भी आप ध्यान रखिए। तो ये काफ़ी फेमस जो राइटर्स हैं इनके बारे में यहाँ पर दिया गया है। इसके बाद हम धर्म सुधार आंदोलन के बारे में देख लेते हैं। धर्म सुधार आंदोलन के प्रवर्तक थे जर्मन वासी मार्टिन लूथर, आप देख सकते हैं ये हैं मार्टिन लूथर। और इन्होंने बाइबल का अनुवाद सबसे पहले जर्मन भाषा में किया था। और धर्म सुधार आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी यह इंग्लैंड से 16वीं सदी में हुई थी, और इसके प्रवर्तक तो मैंने बताई दिए हैं, मार्टिन लूथर थे इसके प्रवर्तक। इसके बाद रोमियो एंड जूलियट लिखी गई थी शेक्सपियर के द्वारा, आप देख सकते हैं ये शेक्सपियर की यहाँ पर फोटो है। तो यह एक प्रसिद्ध लेखक है रोमियो और जूलियट, ये इनके द्वारा लिखी गई थी। इसके अलावा कुछ और पॉइंट्स हैं वो हम देख लेते हैं, जैसे कि पृथ्वी सौरमंडल का केंद्र है, इस बात का खंडन सर्वप्रथम पोलैंड निवासी कोपरनिकस ने किया था। और जर्मन के प्रसिद्ध वैज्ञानिक कैपलर ने गणित की सहायता से यह पता लगाया था कि ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार घूमते हैं। और न्यूटन ने सर्वप्रथम गुरुत्वाकर्षण के नियम का पता लगाया था। और अमेरिका की खोज क्रिस्टोफर कोलंबस ने सबसे पहले की थी। और अमेरिका का नाम अमेरिका अमेरिकोगो बिस्पुसी के नाम पर पड़ा था। और प्रशांत महासागर का नाम स्पेन निवासी मैगलन ने किया था। और समुद्री मार्ग से संपूर्ण विश्व का चक्कर लगाने वाला प्रथम जो व्यक्ति था वह मैगलन ही था। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, इनका भी आप ध्यान रखिए, काफी बार पेपरों में इनसे रिलेटेड भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए, इसके बाद हम देख लेते हैं अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के बारे में। तो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम, जो अमेरिका को पूर्ण स्वतंत्रता मिली थी वो मिली थी
4 जुलाई 1776 ईस्वी को। और अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का जो नायक था वो कौन था? जॉर्ज वॉशिंगटन था। जॉर्ज वॉशिंगटन अमेरिका के सर्वप्रथम राष्ट्रपति भी रहे थे। और अमेरिका की स्वतंत्रता का तत्कालिक कारण बोस्टन की चाय पार्टी थी, जो 16 दिसंबर 1773 को हुई थी। इस घटना से अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम आरंभ हो गया था। इस घटना का नायक सैमुअल एडम्स था, तो इस चीज का भी आप ध्यान रखिए। अमेरिका के जो मूल निवासी थे वो रेड इंडियन कहलाते थे। और अमेरिका ने सर्वप्रथम जो चीजें लागू की थी उनके बारे में भी हम पढ़ लेते हैं। देखिए, अमेरिका ने सबसे पहले लिखित संविधान लागू किया था 1789 ईस्वी में। और अमेरिका ने ही मनुष्य की समानता व मौलिक अधिकारों की घोषणा की थी। और अमेरिका ने ही सर्वप्रथम आधुनिक गणतंत्र की घोषणा की थी। और अमेरिका ने ही सबसे पहले प्रजातंत्र की स्थापना की थी। और अमेरिका ने ही सबसे पहले धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना की थी। तो अमेरिका ने इन सभी चीज़ों की स्थापना की थी सबसे पहले, इनका आप ध्यान रखिए। इनसे रिलेटेड भी काफ़ी बार पेपर में पूछा जाता है। इसके अलावा अब्राहम लिंकन के बारे में हम पढ़ लेते हैं। अब्राहम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति थे, जो 1860 ईस्वी में ये राष्ट्रपति बने थे। और 1 जनवरी सन 1863 को दास प्रथा का इन्हीं के द्वारा उन्मूलन किया गया था। और इन्होंने एक पंक्ति लिखी थी, प्रजातंत्र जनता का जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है। यह प्रजातंत्र की परिभाषा इन्हीं अब्राहम लिंकन के द्वारा ही दी गई थी। और अब्राहम लिंकन की हत्या की गई थी, इनकी हत्या की गई थी जॉन विल्किज बूथ ने 4 मार्च 1865 ईस्वी को। इसके अलावा एक और चीज़ है, अमेरिका फिलोसफियल सोसाइटी की स्थापना की थी बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। और बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ही तड़ित चालक का आविष्कार भी किया था, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखिए। तो चलिए, इसके बाद हम फ्रांस की क्रांति के बारे में देख लेते हैं। देखिए, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का जो नारा दिया गया था वह फ्रांस की राज्य क्रांति के दौरान ही दिया गया था। और फ्रांस की राज्य क्रांति लुई 16वां के शासनकाल में 1789 ईस्वी में हुई थी। और लुई 16वां की पत्नी एंतवानेत ऑस्ट्रेलिया की राजकुमारी थी। और लुई 16वां 1774 ईस्वी में फ्रांस की गद्दी पर बैठा था। लुई 16 को देशद्रोह के आरोप में फांसी की सजा भी दी गई थी। इसके बाद हम देख लेते हैं नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में। तो देखिए, नेपोलियन बोनापार्ट ने अपनी शिक्षा ब्रिटेन के सैनिक अकादमी में ग्रहण की थी। और नेपोलियन बोनापार्ट को लिटिल कार्पोरेल के नाम से भी जाना जाता है। इनके पिता का नाम कार्लो बोनापार्ट था। फ्रांस का सम्राट यह 1804 ईस्वी में बना था। इसके बाद आधुनिक फ्रांस का निर्माता भी नेपोलियन बोनापार्ट को ही कहा जाता है। सर्वप्रथम इंग्लैंड को बनियों का देश भी नेपोलियन बोनापार्ट ने ही कहा था। इसके अलावा जो युद्ध हुए थे, इसने नेपोलियन ने इंग्लैंड के साथ 21 अक्टूबर 1805 ईस्वी में युद्ध किया था, जिसे ट्राफगर के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा नेपोलियन बोनापार्ट अनेक युद्धों में हारा भी था, जो कुछ इस प्रकार से हैं। देखिए, नेपोलियन को नील नदी के युद्ध में अंग्रेजी जहाजी बेड़े के नायक नेल्सन के हाथों में बुरी तरह से पराजित होना पड़ा था। और दूसरे जगह पर इसे यूरोप के राष्ट्रों ने 1813 में लिपजिंग नामक स्थान पर हराया था। और तीसरी जगह पर मित्र राष्ट्रों ने वाटरलू के युद्ध में इसे पराजित करके इसे बंदी बना दिया था। तो कई बार नेपोलियन को हार का सामना भी करना पड़ा था। नेपोलियन ने कानूनों का संग्रह भी तैयार करवाया था, जिसे नेपोलियन का कोड भी कहा जाता है। सन 1800 ईस्वी में बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना भी नेपोलियन ने ही की थी। और नेपोलियन ने अपनी पत्नी जोजेफाइन को तलाक देकर ऑस्ट्रेलिया की राजकुमारी मैरिया लुइसा से शादी की थी। और नेपोलियन का जो जन्म हुआ था, यह 15 अगस्त 1769 ईस्वी को कोशिका द्वीप की राजधानी अजासियो में हुआ था। तो फ्रांस की राज्य क्रांति से नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनको आप ध्यान रखिए। तो चलिए, इसके बाद हम देख लेते हैं लुई 14वां के बारे में। लुई 14वां ने कहा था कि मैं ही राज्य हूँ और मेरे शब्द ही कानून है। तो ये कई बार पूछा जाता है, ये शब्द लुई 14वां के थे। इसके अलावा वर्साय को फ्रांस की जो राजधानी बनाया था वो लुई 14वां ने ही बनाया था। और वर्साय के शीश महल का जो निर्माण किया था वो भी लुई 14वां ने ही किया था। इसके अलावा हम कुछ और पॉइंट्स देख लेते हैं। जैसे फ्रांस की क्रांति में वोल्टेयर, मोंटेक्यू एवं रूसो ने सबसे अधिक योगदान दिया था। वोल्टेयर चर्च का विरोधी था।
सौ चूहों की अपेक्षा एक सिंह का शासन उत्तम है, यह पंक्ति वोल्टेयर की ही थी। तो ये भी काफी बार पेपर में पूछा जाता है। इसके अलावा सोशल कॉन्टैक्ट रूसी के द्वारा लिखी गई है एवं लेटर्स ऑन इंग्लिश वोल्टेयर की रचना है। कानून की आत्मा की रचना मोंटेंक्यू ने की थी। इसके बाद माप तोल की जो दशमलव प्रणाली है यह फ्रांस की ही देन है। तो ये थे दोस्तों विश्व इतिहास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो काफ़ी बार पेपरों में पूछे जाते हैं। तो अगर आप इनको ध्यान से याद कर लेंगे तो काफ़ी हद तक आपके क्वेश्चन इन्हीं में से मिल जाएंगे। तो दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ 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 हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक से हमें पता चलता है कि हाँ आप हमारी वीडियो पसंद कर रहे हैं और हम ऐसी ही वीडियो आपके लिए आगे भी बनाकर लाते रहते हैं। तो अगर दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अगर आप हमारी वीडियो कंटिन्यू देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सभी लेटेस्ट आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो जल्दी ही मिलेंगे दोस्तों एक ऐसी ही नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।